तो क्या आपको पता है अपडेट के बाद आप लोगों को मैप के अंदर गुलबुल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्या आपको ये पता है कि अपडेट के बाद अगर आपको जो है कोई भी बंदा हेडशॉट मारता है तो वो फिर भी आप लोग नहीं मरोगे। अगर आपको कोई 1000 का हेडशॉट भी मार देता है तो भी आप लोग नहीं मरोगे। क्या आपको ये पता है कि अपडेट के बाद अगर आपको पूरा स्क्वाड मर जाता है फिर भी आप लोग रिवाइव हो सकते हो। तो ऐसे ही कुछ जबरदस्त अपडेट के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं, जो कि जानने के बाद आप लोग भी बोलेंगे मजा आया। तो बढ़ते हैं हमारे पहले नंबर के अपडेट। तो अपडेट के बाद आप लोग क्लास कोड रैंक पर 2 एक्टिव करेक्टर यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आप आलोक ले जाते हो तो आलोक के साथ आप जो है क्रोनो भी ले सकते हो, ठीक है। ऐसे ही 2 एक्टिव करेक्टर आप अपडेट के बाद क्लास कोड रैंक के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो नंबर 2 पे हमारा अपडेट आता है कि आप लोगों को गेम के अंदर अभी रियल लॉबी देखने को मिलेगा। जैसे कि प्लेन के अंदर लॉबी रहते हैं वैसे आप लोगों को गेम के अंदर अभी अपडेट के बाद देखने को मिलेगा। अपडेट के बाद हम लोगों को गेम के अंदर 2 न्यू करेक्टर स्किल देखने को मिलेगा। उनमें से एक है सोनिया करेक्टर और एक है आलोक, आलोक का जो हमारा इलाइट वर्जन वो। तो ऐसे में सोनिया कैरेक्टर का जो एबिलिटी होने वाला है वो बिल्कुल जबरदस्त है। ये जो हमारा एक्टिव कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ये पैसिव कैरेक्टर होने वाला है। यानी कि आप आलोक या फिर कुछ भी कैरेक्टर के साथ इसको ले सकते हो, ये हमारा पैसिव कैरेक्टर होने वाला है। तो ऐसे में आप लोगों को इस कैरेक्टर को अगर आप लोग लगा कर रहते हो ना तो आप लोगों को 150 HP मतलब अलग से मिलने वाला है, ठीक है। ऐसे में अगर आप मर भी जाते हो ना, मतलब आपको पूरा डैमेज 200 आपका HP खत्म हो गया फिर भी आपको 150 का हेल्थ मिलेगा, ठीक है। उतने में आप लोगों को बंदे को अगर मार देते हो तो मर जाएगा बंदा, ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं मार पाते तो आप खुद मर जाओगे, ठीक है, कुछ सेकंड बाद। और जो हमारा आलोक कैरेक्टर होने वाला है, आलोक कैरेक्टर का एबिलिटी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। इसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, एक एक जो आपको रेनबो की तरह चीज़ें निकलता है ना उससे आप लोगों को एक गाना की तरह सिंबल निकलेगा, ठीक है। उधर आपका फ्रेंड अगर जाएगा तो उसका HP जो है आपको 30 सेकंड के अंदर सेकंड में तीन HP बढ़ता रहेगा, ठीक है। ऐसे में 30 सेकंड तक चलेगा, ऐसे में 30 HP ही मिल पाएगा। और अपडेट के बाद आप लोगों को ये वाला जो पेट है ये आपको देखने को मिलेगा और इसका कोई एबिलिटी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आप कोई भी सभी पेट का एबिलिटी लगा सकते हो। यहाँ पर जो और एक अपडेट निकल कर आ रहा है ये, अगर आप लोग गेम खेलते हो सोलो में तो सोलो में गेम जैसे ही खेलते हो तो उसके बाद आप लोग जैसे ही मर जाते हो तो पहले तो आप ऐसे इंस्टेंट रिवाइव हो जाते थे, ठीक है, 5 सेकंड के बाद। तो ऐसे में आप लोगों को यहाँ पर अपडेट के बाद ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। अपडेट के बाद आप लोग जैसे ही मर जाते हो तो आपको एक दूसरा मैप के अंदर ले जाया जाएगा, ठीक है। और उस दूसरे मैप के अंदर आप लोगों को एक गेम खेलना है और गेम खेलने के बाद आप लोगों को रिवाइव मिलेगा, ठीक है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। तो नेक्स्ट जो हमारा अपडेट निकल कर आ रहा है कि आपको जो है मैप के अंदर आपसे गुलबुल नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को क्या होने वाला है, आप लोगों को मैप के अंदर जैसे आप लोग गेम के अंदर आओगे, ठीक है, तो जैसे आप उतरोगे तो आपको एक गुलबुल आपको ऑलरेडी दिखने को मिलेगा, ठीक है। और आपके पास एक गुलबुल का मशीन होगा, ठीक है, जिसमें आप लोगों को जो है एक एक गुलबुल कर करके मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आपको गुलबुल ओवर हो जाते हो तो आपको फिर से गुलबुल मिलेगा, आपको टोटल 5 गुलबुल मिलेगा। और जैसे ही आप किसी बंदे को मारते हो, ठीक है, तो उससे आप लोगों को 2 गुलबुल मिलेगा डायरेक्ट, आपको लूटना भी नहीं पड़ेगा। आप लोगों को मतलब मैप के अंदर कुछ भी करके गुलबुल नहीं मिलेगा, आप लोग डायरेक्ट गुलबुल जो है आपके डायरेक्ट बैग के अंदर आ जाएगा, ठीक है, आप गुलबुल मशीन के तौर से। और जो नेक्स्ट हमारा अपडेट निकल कर आ रहा है ये फाइंडिंग मशीन में आपको बहुत सारे फ्री के रिवॉर्ड्स देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर बिग मेडिकेट जो होते हैं वो आपको फ्री के अंदर देखने को मिलेगा अपडेट के बाद। तो भाई नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी जब भी आप गेम खत्म करोगे, ठीक है, गेम खत्म करने के बाद आप लोगों को लॉबी में जाकर गेम स्टार्ट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ पर मैच स्टार्ट करने का आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, प्ले गन का ऑप्शन, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। तो ऐसा आप लोगों को अपडेट के बाद देखने को मिलने वाला। और भी बहुत सारे चेंजेस आप लोगों को गेम के अंदर देखने को मिलेगा, जैसे कि मैप के अंदर जो चीज़ें हैं वो इधर उधर आप लोगों को होने वाला है, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस, रेमनाम विलेज जो है उसका पूरा का पूरा लुक चेंज हो जाने वाला है अपडेट के। गेम के अंदर जो आप लोग ये चाबी से ओपन करते हो लूट बॉक्स, इसमें आप लोगों को अपडेट के बाद बहुत सारे चीज़ें कम कर देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो अभी बहुत सारे चीज़ें कम कर दिया गया है, ठीक है। तो और गेम के जैसे आप लोग स्टार्ट करते हो कोई भी रैंक मैच तो उसमें आप लोगों को 30 सेकंड पहले टाइम लगता था, लेकिन अभी के टाइम पर आप लोगों को 30 सेकंड टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारा फायदा होने वाला है, टाइम का कोई भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। अपडेट के बाद यहाँ पर न्यू एक सेक्शन आने वाला है जिसकी मदद से अगर आप लोग रैंक में आगे जाते हो या फिर आपका लेवल इंक्रीज होता है तो ऐसे में आप लोगों को बहुत सारे रिवॉर्ड देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर फिर के गुलबुल भी आप लोगों को मिलने वाला है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जो नॉट ओवर वाले बंदे होते हैं उन लोगों को बहुत सारे फ्री के रिवॉर्ड्स मिलने वाला है। तो अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना भाई लोग। तो यही था आज का कुछ अपडेट्स। अगर आप लोगों को आगे भी इसी तरह के वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका नेक्स्ट पार्ट अगर चाहिए तो इस वीडियो पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 200 लाइक कंप्लीट करना है। तो जल्दी जल्दी 200 लाइक कंप्लीट। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर, लव यू ऑल।